नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल चर्चा में। दोस्तों आज मेरे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं भोजपुरी मैथिली मगही के उभरते हुए सिंगर विकास कुमार यादव जी। इन्हें प्यार से वीके यादव भी कहते हैं और मैं भी इन्हें वीके यादव ही कहता हूं क्योंकि इनसे बहुत प्यार करता हूं। ये कलाकार के साथ साथ बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो आइए इनके साथ चर्चा में चर्चा करते हैं। नमस्कार विकास भाई। नमस्कार सर, और सबसे पहले मैं अपने परिवार की ओर से सभी ऑडियंस को चरण स्पर्श करता हूं। विकास जी, क्या कहना चाहेंगे आप? लास्ट टाइम भी चर्चा पे आए थे, करीब मुझे लगता है साल भर पहले आपसे चर्चा हुई थी। दोबारा चर्चा में आके कैसा लग रहा है आप? दोबारा बहुत प्यार दुलार मिल रहा है इस चर्चा चैनल के माध्यम से, और मैं ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि चर्चा परिवार एक हमारे भी परिवार है, और ये मैं दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ चर्चा परिवार को और आप लोगों को भी। अभी कोई आपका हाल फिलहाल में कोई प्रोजेक्ट कहीं से आ रहा है, आने वाला है या आ चुका है सर? आज ही मेरा रिया फिल्म से रिलीज हुआ है सॉन्ग जो मगही गीत है, तो कुछ देर पहले रिलीज हुआ है। तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस से कि आप लोग इन गाने को सुनिए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, और आप लोग ढेर सारा शेयर कीजिए और प्यार आशीर्वाद। आज ही रिलीज हुआ है जी सर, वो आप गा के सर सुनाना चाहेंगे एक दो लाइन? जी प्लीज। भौजी हो गईले हमारे के प्यार, दिलबा भेलई बा हमरो लाचार। भौजी हो गईले हमारे के प्यार, दिलबा भेलई बा हमरो लाचार। उ तक के नम्बर डायल जब खनका बो अपन पायल, ओ कर याद आबो हमरा के घड़ी घड़ी। कि मिले खातिर आबे छौ दौड़ी दौड़ी, दिल लेके भागल भौजी पूजवा छौड़ी। मिले खातिर आबे छौ दौड़ी दौड़ी, दिल लेके भागल भौजी पूजवा छौड़ी। बहुत अच्छा, ये कहाँ से है? रिया फिल्म से है। रिया फिल्म से, और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि रिया फिल्म के जो हमारे मालिक हैं तेज नारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए कि रिया फिल्म्स के चैनल से गाना अपलोड हुआ है और रिलीजिंग हुआ है। व्यू भी अच्छे जा रहे हैं और जितने भी दर्शक हैं उनका बहुत प्यार दुलार और सपोर्ट मिल रहा है। चलिए बहुत अच्छा है, और मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि विकास भाई, पर्सनली मैं इनको जानता हूँ, बहुत ही दिल के अच्छे आदमी हैं। आज तक मैंने कभी भी इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी, और कभी भी मैंने इनके मन में चाहत नहीं देखी कि मुझे बहुत बड़ा स्टार बनना है, खेसारी या पवन सिंह बनना है या उनके आगे जाना है। हमेशा एक सुलझे हुए इंसान हैं और बड़ी प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। हालांकि साल डेढ़ साल पहले इनसे एक इंटरव्यू किया था, उसके बाद भी हमारी फ़ोन में कन्वर्सेशन चलती थी। जब मैं फ्री होता तो फ़ोन करते थे, भैया कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया है, खाना खाया नहीं खाया। ये जितने अच्छे कलाकार गायक हैं उतने ही अच्छे ये बहुत बढ़िया टीचर भी हैं। जी हाँ, ये संगीत भी सिखाते हैं बच्चों को। अगर आपको भी संगीत सीखना है तो इनसे संगीत सीख सकते हैं। सर, मैं जानता हूं कि आप हिंदी गाने भी गाते हैं, कोई एक आध हिंदी गाना सुनाना चाहें? देखी तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर हो कर नंगा। कितने ये मकार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली कर तू तो से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। बहुत अच्छा विकास भाई, आपने बोला कितना बदल गया इंसान, और मैं अपने दर्शकों को ही बोलना चाहता हूँ कि इंसान बहुत बदल गया है। टीआरपी के लालच में, पैसे के लालच में आजकल वो समाज को भी गंदा कर रहा है। जैसा कि आप एक भोजपुरी के सदस्य हैं, काफ़ी टाइम से भोजपुरी गाने गा रहे हैं, बच्चों को भोजपुरी संगीत भी सिखा रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, आज के टाइम पे कुछ बड़े दिग्गज कथा कथित स्टार जिले के ऊपर गाना गा रहे हैं, गांव के ऊपर गाने गा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी हमारे बड़े स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, तो वो लोग एक पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं। गुमराह ये क्या है कि पब्लिसिटी अपने अपने सॉन्ग का बढ़ाने के लिए कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं सॉन्ग के माध्यम से। कैसी कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी जिले के अंतर्गत, मैं उसके जिले के अंतर्गत गाऊंगा, जो रितेश पांडे जी का फैन है वो तो उनको सपोर्ट करेंगे और खेसारी लाल यादव जी को गाली देंगे। जो पवन सिंह का फैन है वो पवन सिंह को सपोर्ट करेंगे, वो खेसारी लाल को गाली देंगे। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक के साथ धोखा हो रहा है। तो मैं पब्लिक को सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे बड़े सुपरस्टार हैं, रितेश पांडे जी और ये पवन भैया जी, खेसारी लाल यादव जी, सभी लोग आपस में भाई भाई हैं। इसलिए आप लोग एक के दूसरों के वजह से आप लोग आपस में विवाद ना करें, क्योंकि आप लोग सभी सिंगरों को सपोर्ट करें, सभी को प्यार दुला दें, चाहे खेसारी लाल यादव जी के फैन हो या पवन सिंह जी के फैन हो, निरहुआ दिनेश लाल यादव जी का फैन हो या रितेश पांडे जी, जितने भी छोटे से बड़े कलाकार हैं। विकास जी, आपके कहने का मतलब है कि जितने भी बड़े स्टार हैं वो आपस में मिले रहते हैं, आपस में मिलके केक खाते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं और समारोह में मिलते हैं और बाहर आउट ऑफ कंट्री भी घूमने जाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन ऑडियंस को दिखाने के लिए जो हमारे भोजपुरी के समाज के लोग हैं, यूपी बिहार के, जहाँ भी भोजपुरी बोली जाती है, सुनी जाती है, उनके नज़र में कंट्रोवर्सी पैदा करके एक दूसरे के जिले के ऊपर गाना गा के अपने गाने को हिट करना चाहते हैं, अपने नाम को पब्लिश करना चाहते हैं, आपका यही मतलब है? जी सर। कैसे इसको रोका जाएगा जब बड़े लोग ही ऐसे करेंगे तो? इसको रोका जाएगा, एक ही सदस्यता है, अगर चाहे बड़े स्टार हो या छोटे स्टार हो, क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट मेरा भी डिस्ट्रिक्ट है, आपका समाज मेरा भी समाज है, तो क्यों ना आपका समाज को मैं प्यार दूं और मैं अपनी समाज को भी प्यार दूं, और आप एक दूसरे को अगर प्यार दुलार नहीं देंगे, अगर एक खेसारी लाल यादव जी के फैन अगर पवन सिंह जी को फैन पवन सिंह जी को गाली देंगे या पवन सिंह जी के फैन खेसारी लाल यादव जी को गाली देंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी माँ और हमारी माँ, जिसकी भी माँ है, माँ तो माँ ही होती है, तो उनके लिए आपत्तिजनक बात होती है। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हर कलाकार को प्यार दुलार और आशीर्वाद दें, चाहे खेसारी लाल यादव जी हो, चाहे रितेश पांडे जी हो, चाहे पवन सिंह जी हो। आपने सही बोला, और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, जो पूरा चर्चा का परिवार देख रहा है और जो नया जुड़ा है, मैं उसको बताना चाहूँगा, और मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आज से नहीं बोल रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि ना जाने कितने दिनों तक हमारे देश में शासन किया अंग्रेजों ने, उनकी नीति क्या थी, फूट डालो राज करो। उसके बाद कुछ करप्ट नेता आए, हमारे देश में शासन किया, उन्होंने भी यही किया कि फूट डालो राज करो, हिंदू मुसलमान करो, मंदिर मस्जिद करो, दलित ठाकुर करो, उन्होंने भी राज किया। और अब ऐसे ही कुछ कलाकार, कुछ कथा कथित कलाकार बंद कमरे में पार्टियां करते हैं, लेकिन बाहर वो एक दूसरे को दिखाते हैं कि हम कट्टर दुश्मन हैं। फायदा कौन ले जाता है? स्टार लोग। मरता कौन है? जो सच्चा दिल से फैन होता है, जो अपने माँ बाप की नहीं उनकी फोटो पर्स पर रखता है, जो अपने बहन की नहीं उनके बर्थडे में व्हाट्सएप पे फेसबुक पे उनकी डीपी लगाता है, उनके साथ विश्वासघात हो रहा है। और भोजपुरी समाज का कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अनहित हो रहा है। इसे मैं नहीं रोक सकता, इसे विकास कुमार यादव नहीं रोक सकते, इसे सिर्फ और सिर्फ जागरूक होने के बाद आप लोग रोक सकते हैं। वो लोग आपस में सब मिले हुए हैं, कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं टीआरपी के लिए, एक दूसरे के जिले पे गाना गाते हैं, फिर उस जिले का आदमी गाना वो सुनता है और सुनने से ही वायरल हो जाता है और कंपनियां भी कमाती हैं, स्टार भी आगे बढ़ता है, लेकिन भोजपुरी समाज, भोजपुरी दर्शक, भोजपुरी श्रोता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा समझता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि हाँ इनकी चाल है ये कि नहीं, लेकिन अब बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं। विकास भाई, आपने बहुत अच्छी बात बोली। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भोजपुरी को देखिए, काफ़ी दिन से हो रहा है भोजपुरी सुधारों में जाने कितने लोग लगे पड़े हैं कि भोजपुरी में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, कुछ लोग सामने भी आ रहे हैं, आगे भी आ रहे हैं, फिर भी ये नहीं रुक पा रहा है, इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात ये है कि इसे रोकने के लिए सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट ये है कि जब तक के हमारे ऑडियंस लोग, अच्छाई अगर है, अगर हमारे भोजपुरी समाज में अगर अच्छे गीत को पब्लिश करते हैं, रिलीजिंग करते हैं,
तो उन सिंगर को आप इतना सपोर्ट कीजिए, बहुत सपोर्ट कीजिए। और जब आप लोग अच्छाई सॉन्ग को सपोर्ट करेंगे तो अश्लीलता अपने बंद हो जाएगी, फिर किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अश्लीलता को बंद कर दिया जाए। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मद्देनज़र रखते हुए जितने भी अच्छाई गाने रिलीजिंग होते हैं, चाहे छोटे सिंगर का हो या बड़े सिंगर का हो, उनको इतना प्यार दुलार दीजिए कि अश्लील का नाम ही ना हो, अश्लील दिखाई ही ना दो। और चाहे कोई भी जिला हो, किसी भी सिंगर का हो, प्यार दुलार दीजिए, जिला में और जात पात में ना बटिए, ये भी मैसेज दीजिए। सबसे बड़ी और दूसरी बात, ये भी बड़ी बात है कि ना तो कोई जात पात यहाँ दुनिया में कोई नहीं है, सबसे बड़ा मानव जाति ही सबसे बड़ा धर्म है, और मानव जाति ही सबसे बड़ी सेवा है, और इससे बड़ी सेवा क्या हो सकता है। इसलिए आप लोगों से मैं यही आग्रह करता हूँ, कोई भी जात पात हो, कोई भी किसी भी जाति से हो, उसको जाति के आधार पर मत बांटिए, चाहे सिर्फ वो मानव एक इंसान के नाते से उन्हें प्यार दुलार दीजिए, कोई भी जाति का हो उन्हें पूरा प्यार और रिस्पॉन्स, पूरा प्यार भरन दुलार दीजिए। चलिए ठीक है विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा में टाइम दिया और आपके विचार जान के। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कम भोजपुरी जो गाने सुनता है, वह श्रोता तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक श्रोता कम से कम इस वीडियो के माध्यम से जागरूक होगा और उसे समझ में आएगा कि आपस में सब मिले हुए हैं, कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं ताकि टीआरपी बनी रहे। आप लोग देखते होंगे सलमान खान की एक टीआरपी हमेशा शुरू से चलती आ रही है कि शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। और वो जब इंसान जान रहा है कि उसका यह मुद्दा बन गया है, तो शादी अगर कर भी लिया दिखाने की जरूरत क्या है। आप हमेशा देखते होंगे बड़े बड़े मीडिया हाउस भी ये मुद्दा उठाते हैं, कहीं भी कॉमेडी शो में पंच बनता है शादी कब करोगे, तो यही पंच अब बन रहा है जो बड़े स्टार आपस में बाहर लड़ाई दिखाते हैं, अंदर मिले रहते हैं कि ये लोग एक कब होंगे, ये लोग एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। आप लड़ रहे हो और आप ही लड़ोगे आगे तक। अगर समझदार हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब मत करो, लाइक मत करो, अपनी जो विचार है उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अपने भाई कुश दुबे चर्चा की टीम को अवगत कराओ। हम जानना चाहते हैं आपका विचार क्या है, आप भी ये समझते हैं सब मिले हुए सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए कर रहे हैं, गाना हिट करने के लिए कर रहे हैं या नहीं, हाँ ना में बताइए। धन्यवाद विकास जी, आपने टाइम दिया, तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।